दोस्तों कुछ दिन पहले हमने चैट जीपीटी से रिलेटेड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और आप में से बहुत सारे लोग उसका एक सेकंड पार्ट देखना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चैट जीपीटी का यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ गए हैं हम चैट जीपीटी पर। यहाँ पर सबसे पहले हम चैट जीपीटी से कोई स्ट्रेटजी पूछकर देख लेते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू अर्न 100% रिटर्न्स, ये जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको पता है कि चैट जीपीटी आपको यही आंसर करेगा कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बताई जा सकती जिसमें 100% रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा भी काफी सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी हमको देगा, क्योंकि आपको भी पता है कि चैट जीपीटी डायरेक्टली ऐसी किसी भी स्ट्रेटजी को प्रमोट नहीं करता है। तो अगर हमें चैट जीपीटी से कोई स्ट्रेटजी पता करनी है तो इसके लिए हमें किसी ना किसी ट्रिक का यूज करना होगा। तो उस ट्रिक के लिए चलते हैं हम हमारी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में। यहाँ पर आपको पता है कि आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। तो पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, आप चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या जिसका भी चार्ट खोलना चाहते हैं खोल के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड को टेस्ट करके बताने वाले हैं, बट आप चाहें तो सेम तरीके से अपने किसी फेवरेट इंडिकेटर को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पे इंडिकेटर्स में जाकर सर्च कर लेते हैं बोलिंजर बैंड्स। जैसे हमने बोलिंजर बैंड लिख के सर्च किया है तो हमारे सामने बोलिंजर बैंड आ गया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक बैंड बन जाता है जो कि प्राइस को दोनों तरफ से कवर कर लेता है। इसमें जो ऊपर वाला बैंड है इसको अपर बैंड कहा जाता है और जो नीचे वाला बैंड है इसको लोअर बैंड कहा जाता है। तो बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग जब शेयर की प्राइस लोअर बैंड के पास होती है तब हमें बाय करना होता है, और जब अपर बैंड के पास तक चली जाती है तब हमें सेल करना होता है। तो यही सेम स्ट्रेटजी हम टेस्ट करने वाले हैं। अब अगर आप चैट जीपीटी का यूज करके स्ट्रेटजी को टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जहां पर भी ये इंडिकेटर लगा होता है ना, ऊपर एक इस तरीके का ऑप्शन नजर आता है जिसमें आपको जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं उसका सोर्स कोड दिखाई देता है। तो आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो इंडिकेटर है इसका पूरा कोड नजर आ जाएगा, यानी किस कोड से ये इंडिकेटर बना है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है। तो मैंने इस कोड को पहले सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। तो हमने यहां पे पूरा जो कोड है इसको कॉपी कर लिया है। अब इस कोड को लेकर हम चलते हैं चैट जीपीटी में। अब यहां पर जाकर हम क्या करेंगे, इस कोड को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम चैट जीपीटी को अपने रूल्स बताएंगे जिसके बेसिस पर हम बाय या सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यूज दिस कोड टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी इन पाइन स्क्रिप्ट दैट बायज व्हेन प्राइस गोज बिलो द लोअर बैंड एंड सेल व्हेन प्राइस गोज अबव द अपर बैंड। और ये लिखने के बाद आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जब तक चैट जीपीटी आंसर कर रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आप ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे अब तक चैट जीपीटी ने हमें रिप्लाई भी कर दिया है। अब जैसे ही आप एंटर पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि चैट जीपीटी यहाँ पे एक कोड लिखना शुरू कर देगा। बाय द वे मुझे भी कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको भी अगर कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी ने पूरा कोड लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो कोड है यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आता है, हमने कॉपी कोड पे क्लिक कर देना है और वापस से जाना है जहां पर हमने बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाया था ना ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में, वहां पर। अब यहां पर जाने के बाद वापस से हमें बोलिंजर बैंड पे जाना है और यहां पे सोर्स कोड का जो ऑप्शन आ रहा है उस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए क्योंकि ये जो कोड है ये बोलिंजर बैंड इंडिकेटर का कोड है तो इस पे तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी एक कॉपी बनाकर उस पर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां पे जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है आपने सिर्फ इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि बोलिंजर बैंड तो लिखा ही है, इसके आगे स्ट्रेटजी लिख लेता हूं, ये लिख के मैं इसको सेव कर देता हूं। अब जैसे ही हम इस पे सेव कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने अब ये जो कोड है इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि जो पहले से कोड था उसको हटा देना है और जो कोड हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था ना उसको यहां पर पेस्ट कर देना है। बस इतना ही काम हमें करना है, और उसके बाद हमें ऐड टू चार्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड टू चार्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे कि ये कुछ ना कुछ एरर आपको बताएगा। तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो भी एरर आपको बता रहा है उसको आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है चैट जीपीटी में और यहां पर जाकर आपको लिखना है मेक मॉडिफिकेशंस, और उसके नीचे जो भी एरर आया है आपने उसको पेस्ट कर देना और एंटर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि चैट जीपीटी एरर को आइडेंटिफाई कर लेगा और वापस से कोड में मॉडिफिकेशन कर देगा।
तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने यहाँ पे दोबारा से कोड लिख लिया है। आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए और वापस से आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में जाइए और जो कोड आपने पहले पेस्ट किया था ना उसको आप डिलीट कर दीजिए और ये जो नया कोड है इसको आप पेस्ट कर दीजिए। और इसको पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप ऐड टू चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी स्ट्रेटजी का रिजल्ट दिखाई देगा कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर ट्रेड लिया होता तो आपको प्रॉफिट होता या फिर लॉस होता। तो आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी का जो प्रॉफिटेबल परसेंट है वो 76% का है। अब अगर आप इसमें कैपिटल ऐड करना चाहते हैं कि कितने रुपए के हिसाब से चेक हो रहा है तो यहाँ पर आप अपनी कैपिटल को बढ़ा या घटा सकते हैं, कितना आप ऑर्डर साइज देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक लॉट में देखना चाहते हैं तो आप 1 रख सकते हैं, 2 में देखना चाहते हैं, 10 में देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपना ऑर्डर साइज 100 कर लेते हैं तो उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 7.23% का हो गया है। अब ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना ये 15 मिनट की कैंडल में देख रहे हैं। अब हम अगर इसे 5 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो हो सकता है कि हमें कम प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें 6.3% का प्रॉफिट हो रहा है और जो हमारा प्रॉफिटेबल परसेंटेज है वो 64% हो गया है। इसके साथ ही अगर आप 1 मिनट में इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट में भी टेस्ट करके देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है मैंने 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगाई है और इस केस में हमें सिर्फ 0.29% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी को अगर हम 1 डे की कैंडल में ट्राई करेंगे तब हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है चलिए अब वो देखते हैं। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये 70% केसेस में प्रॉफिटेबल रही है और इसने हमें 131% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब इतना ज्यादा रिटर्न्स इस स्ट्रेटजी ने दिए हैं जिसमें हमें ऊपर दिखाई भी दे रहा है कि हमने कहाँ पे बाय किया होता कहाँ पे सेल किया होता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 100 लॉट्स बाय किए होते और उसके बाद हमने यहाँ पे जाके अपनी पोजीशन को क्लोज किया होता। ऐसे ही हमने यहाँ पे बाय किया होता फिर इस जगह पे अपनी पोजीशन को क्लोज किया होता, यहाँ पे बाय किया होता और इस बार यहाँ पे क्लोज किया होता, ऐसे यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल फिर यहाँ पे बाय और उसके बाद यहाँ पे हमने सेल किया होता। तो इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर हमें पता चला है कि अगर हम इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपनी कैपिटल को डबल तक कर सकते हैं। अब अगर आप लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी ट्रेड्स के बारे में पता चल जाएगा कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड किया होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता और कितना लॉस होता। देखिए पहले वाले ट्रेड में आपको 4.49% का लॉस हो जाता जिसमें आपको 4,985 का लॉस होता। अगले ट्रेड में आपको 2% का प्रॉफिट होता यानी आपको 2,700 का प्रॉफिट होता। उसके बाद 3.5% का लॉस होता यानी 3,000 का लॉस। फिर एक बार 17% का भी लॉस होता। उसके बाद एक बार 9% का प्रॉफिट होता। देखिए एक 24% का भी प्रॉफिट है। इसके अलावा एक 22% का भी प्रॉफिट है। अगर इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर सबसे बड़ा जो प्रॉफिट आपको एक ट्रेड में होता तो वो कितने का होता चलिए अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेड में आपको लगभग 26% का प्रॉफिट होता जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट होता। अब ऐसे ही अगर आपको सबसे बड़ा लॉस होता तो वो कितने का होता चलिए अब वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको सबसे बड़ा जो लॉस होता वो 21% का होता। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी पता चलती है, कोई भी इंडिकेटर आपके पास है तो आप उसको मार्केट में ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज करके किसी भी इंडिकेटर के कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बाय एंड सेल सिग्नल्स को ऐड कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।